चलिए फ्रेंड्स, पॉसिबल 11 की आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देते हैं। फ्रेंड्स, आपको पॉसिबल 11 बस सर्च करना होगा। फ्रेंड्स, जिस पॉसिबल लिखेंगे आपका आ जाएगा। फ्रेंड्स, देख सकते हैं यहाँ पर टेलीग्राम में आप सर्च करेंगे तो वैसे हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे भी चेकआउट कर सकते हैं अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, काफ़ी सारा डेटा, काफ़ी सारे एनालिसिस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। गिवअवेज भी कंटिन्यूस होते रहते हैं जैसे कि मैं दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं कंटिन्यूसली गिवअवेज होती है यहाँ पर, फिर आपको बताया जाता है कौन कितना जीता है, कैसे क्लेम कर सकता है, बहुत सारी चीज़ गिवअवेज होते रहते हैं। तो इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, टीम्स भी मिलती है, फाइनल टीम बहुत फ़ायदा है इसे। चलिए फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, हमारी एप्लीकेशन की वेबसाइट भी ये देखिए, possible11.com, जस्ट यू हैव टू सर्च इट आउट। बाकी आप देख सकते हैं पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पर सारी चीज़ें मिलती, बहुत सारी चीज़ें फ्रेंड्स यहाँ पर आपको फुटबॉल और बाकी सारे स्पोर्ट्स का भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सेक्शन आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप देख सकते हैं इस वेबसाइट में, जो कि आपको ऐप में नहीं मिलती है। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको दूसरी चीज़ें भी दिखाता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, एप्लीकेशन भी काफ़ी अच्छी रहती है फ्रेंड्स, काफ़ी सारा डेटा रह सकता है। ये देखिए फ्रेंड्स, छोटी मैच पर बहुत सारा डेटा रहता है, बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स, एक्सपर्ट्स ओपिनियन। तो फ्रेंड्स, ज़रूर डाउनलोड कीजिए फ्रेंड्स विद रेफरल कोड YT, लिंक दे दिया गया है फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में। फ्रेंड्स, ऊपर से अगर आप क्रिकेट या फिर ड्रीम इलेवन के बारे नहीं भी जानते, तब भी आप इस एप्लीकेशन से बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। कैसे कमा सकते हैं, उसका एक वीडियो है हाउ टू अर्न फ्रॉम पॉसिबल 11 ऐप, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है फ्रेंड्स। प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे, पॉसिबल 11 के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, फुटबॉल की मैच की वीडियो फ्रेंड्स हम आपके सामने लाए हैं। तो फिर फुटबॉल की मैच की वीडियो को शुरू कर चुके हैं और बहुत अच्छी तरीके से फॉलो अप कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये मैच लाए फ्रेंड्स नीदरलैंड्स वर्सेस ऑस्ट्रिया के बीच में, जो फुटबॉल की मैच खेली जाने वाली है फ्रेंड्स, यूरो 2020 का ये फ्रेंड्स मैच है। काफ़ी मज़ेदार लीग चल रही, टूर्नामेंट काफ़ी बेहतरीन रूप से चल रहा है। तो फ्रेंड्स, इसका मैच भी वीडियो लाए हैं फ्रेंड्स आपके लिए। तो शुरू करेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो को। सबसे पहले बता दूं कि पॉसिबल 11 की एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर ले विद रेफरल कोड YT, लिंक दे दिया गया है फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन में, उससे आपको रेफरल बोनस मिलेगा। एंड फ्रेंड्स, आप एक वीडियो भी उसे भी देख सकते हैं हाउ टू फ्रॉम पॉसिबल 11 ऐप, उससे आप पता चल जाएगा कैसे आप बहुत सारे पैसे बना सकते हैं पॉसिबल 11 एप्लीकेशन की मदद से। बाकी फ्रेंड्स, ये possible11.com की जो वेबसाइट है, यहाँ पर आपको सारे फैंटेसी स्पोर्ट्स के मैच प्रीव्यूज मिलती है, तो इसे भी आप चेकआउट करते रहिए। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स इस वीडियो को। नीदरलैंड की बात करें तो नीदरलैंड वर्सेस ऑस्ट्रिया के बीच में मैच खेला जाएगा यूरो 2020 का, 18 जून का फ्रेंड्स ये मैच सुबह आधी रात को ही फ्रेंड्स शुरू हो जाएगा, 12:30 में सुबह में ही, अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की बात करें तो। नीदरलैंड्स वर्सेस ऑस्ट्रिया ग्रुप सी का ये मैच डे 2 यूएफए यूरो 2020, 12:30 मैच शुरू हो जाएगा, एम्स्टरडैम अरीना में ये मैच खेला जाएगा। तो फ्रेंड्स, दोनों ही साइड के पॉसिबल प्लेइंग 11 या फिर कह सकते हैं पॉसिबल स्टार्टिंग 11 की हम बात करेंगे, पर सबसे पहले हम शुरू करते हैं नीदरलैंड से। तो फ्रेंड्स, नीदरलैंड्स की बात की जाए तो इनके पास है मार्टिन है, पैट्रिक वान है, डीजल डम्फी है, डी वीर्जी है, डैनी प्लाइंड है, जोरिन टिम्बर है, फ्रेंकी डी डोंग है, मार्टिन डी रून है, जॉर्जिनो है, देन वी हैव वॉल्ट वेडहॉर्स्ट, एम्फ्रिस डी पे भी है। वहीं ऑस्ट्रिया की स्टार्टिंग प्लेइंग 11 की बात की जाए पॉसिबल, तो इनके पास डैनियल बचमन है, डेविड अल्बामा है, शिक संदर है, मार्टिन है, शिफान लायनर है, दे ऑल्सो हैव एंड्रीस ओमर, खुरान लामिर, जावेर है, क्रिस्टॉप है, सालसा है एंड मॉरिसल है। तो ये होगी फ्रेंड्स ऑस्ट्रेलिया की पॉसिबल स्टार्टिंग 11। तो आगे बढ़ते मैच व्यू की ओर। तो नीदरलैंड्स विल बी होस्टिंग ये मैच टू ऑस्ट्रिया एट एम्स्टरडैम अरीना, ग्रुप सी का मैच जैसे मैंने बताया। अपनी कैंपेन का किक ऑफ करना चाहेंगे फ्रेंड्स रिस्पेक्टिव ओपनिंग की बात करें जाए तो अप्रोच अपने गेम में 3 points दोनों की टीमों के पास है। डच यानी कि नीदरलैंड्स की बात करें तो वन लास्ट 6 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रिया, जो उन्हें क्लियर फेवरेट बनाता है क्योंकि लास्ट 6 मैच वो जीत चुके हैं ऑस्ट्रिया से। ऑस्ट्रिया की लास्ट विक्ट्री आई थी 1990 में इनके खिलाफ, तो दैट्स क्वाइट स्ट्रेंज, यानी कि नीदरलैंड विल बी डोमिनेटिंग। लास्ट 7 मीटिंग की बात की है तो दोनों साउथ ने 30 गोल्स प्रोड्यूस किए हैं एवरेज विद 4.3, तो काफ़ी ज़्यादा गोल्स देखने को मिलते हैं, दैट्स ऑल्सो गुड। बेंगलुरु जून 12 को ये मैच नीदरलैंड विल मेक द स्कॉल अवेटिंग रिटर्न टू अ मेजर इंटरनेशनल टूर्नामेंट एंड यूरो 2020 आफ्टर 7 years, तो दैट्स ऑल्सो ग्रेट न्यूज़। तो जो ऑरेंज की बात की है तो वो फेवरेट है टॉप ग्रुप के टेबल में है, तो दैट्स समथिंग गुड फॉर देम। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स गोलकीपर की बात की है, द हैड बीन नॉट फॉर मार्टिन,
नीदरलैंड्स इजीली हिट कर सकते हैं थर्ड के लिए। वहीं डिफेंडर्स के लिए भी आपके बात करें तो ऑस्ट्रिया का जो डुओ है वो काफ़ी अच्छा है, सिर्फ लाइनर और डेविड अबामा का। वहीं नीदरलैंड्स की बात की जाए तो फ्लॉलेस डीवीजी है इनके लिए। मिडफील्डर्स की बात की जाए तो जॉर्जियानो है स्कोरिंग टच फॉर नीदरलैंड्स, देन फ्रैंकी डीजोंग है जो इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करते हैं, डेंजिन डम्फियाई है। तो ये कुछ पिक्स हैं। स्ट्राइकर्स की बात की जाए तो मार्सेस स्टबीजर है जो फ्रॉम ऑस्ट्रिया की बात करें तो, देन फ्रॉम वाउट वेजरॉस्ट है और एम्फिस डीपे हैं जो कि नीदरलैंड की डू है। रीसेंट फॉर्म की बात की जाए तो नीदरलैंड का काफ़ी अच्छा फॉर्म, विन ड्रॉ ड्रॉ विन विन है, और ऑस्ट्रिया का विन लूज लूज ड्रॉ विन है। हेड टू हेड की बात की जाए तो 1-0 है ये लास्ट दो मीटिंग्स की बात की जाए तो। की प्लेयर्स की बात हो तो ये देख सकते हैं वरुस की जॉन डीपे अलबामा एंड सैबेजर है। तो फैंटेसी टिप्स के ऊपर आ सकते हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हैं। मैं आता हूँ टीम के ऊपर, तो ये देखिए फ्रेंड्स टीम इज ऑन। तो ये देखिए फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी लग रही टीम। एक गोलकीपर है, चार डिफेंडर्स, तीन मिडफील्डर्स हैं एंड तीन फॉरवर्ड के प्लेयर्स है, दैट्स ऑल्सो अ गुड सिमेट्री। कीपर की बात की जाए तो हम वी आर फ्रॉम वाइट बैच है 8.5 क्रेडिट के साथ, दैन चारों हम एक ही तरफ के रखे हुए हैं फ्रेंड्स। बीज है एन अखेल है, पी वी अरहाना है, एम डी लिच है, चारों एक ही टीम के फ्रेंड्स। वहीं मिडफील्डर्स की बात की जाए तो 2-1 का है, जिसमें मिडफील्डर्स में लैमर है, स्ट्रैगर है एंड विजनल है। वहीं फॉरवर्ड की बात की जाए तो वाइस कैप्टन हमने इन्हें बनाया हुआ है विजॉक को, स्टेबाइजर है इस टीम में, देन वी ऑल्सो हैव एम डीपे जो कि इस टीम की कप्तान है, दैट्स ऑल्सो गुड। नीदरलैंड डोमिनेटिंग टीम है फ्रेंड्स, काफ़ी अच्छी लग रही है टीम। 7-4 का रेशियो है, पूरी तरीके से डोमिनेट करके बनाया गया ये टीम, काफ़ी बेहतरीन लग रही है टीम फ्रेंड्स। अगर कैप्टन वाइस कैप्टन की बात की जाए तो आप मिडफील्डर के साथ जा सकते हैं, लैमर के साथ भी जा सकते हैं, वीर्ज इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो ये कुछ ऑप्शन है फ्रेंड्स, बाकी ये टीम काफ़ी अच्छी लग रही है। लाइक कीजिएगा फ्रेंड्स इस वीडियो को, कमेंट बताइए कैसी लगी टीम, सब्सक्राइब करना ना भूले फ्रेंड्स हमारे चैनल को। और फ्रेंड्स फुटबॉल की भी हम रेगुलर अपडेट्स लेके आ रहे हैं फ्रेंड्स, लगातार मैच पे वीडियोज़ ला रहे हैं, तो फुटबॉल फैंस के लिए बहुत अच्छा मौका। और जो फुटबॉल फैंस नहीं भी है वो भी शुरू करते फ्रेंड्स फैंटेसी खेलना फुटबॉल में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिटर्न आपको मिल सकता है, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी कम रहता है। अगर आपको नॉलेज मिल गई, थोड़ी प्रैक्टिस हो गई, तो यू विल बी बूमिंग इन दिस सेक्टर। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, बहुत सारे पैसे कमाए इस मैच से।